نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الامين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مؤزز سامين وناظرين जुमला ख़वातिन आज इस नशस्त में उस सवाल को एड्रेस करेंगे जो बहुत से सेलमाय कराम ने और दीन के तलाबा ने मुझसे पूछा है कि मसला फ़दक पर यह हजूर नबी अक्रम सल्ला तसलम के वो ख़ास अमवाल जिनका ज़िक्र आगे आएगा उनकी वरासत के मौजू पर सैद कायन रजी अल्लाह तह का सद ना सिद्दी के अकबर रजी अल्लाह तन से सवाल करना क्या इसको खता समझ सकते हैं क्या इसको खता करार दे सकते हैं या नहीं ये हमारी आज की नशिस्त में गुफ्तु का मौजू है ये मसला जो पैदा हुआ और सीधा कायनत सलामुल्ल अल ने पूछा और सीधा सदीक अकबर रजी अल्लाह तुनों ने जवाब दिया आपने वासत का पूछा आकल इस्लाम की और उन्होंने जवाब दिया कि हुजूर इस्लाम ने फरमाया कि हमारी वरासत अम्बिया की नहीं होती हम जो छोड़ते हैं हमारा जो तरक़ा होता है वो सदका होता है सो आप खामोश हो गई तो इसके बारे में ये आप गुमान नहीं कर सकते कि आपका सवाल खता पर मबनी था नहीं आपका सवाल हक था और मबनी बरहक था और सीधना सीधी के अकबर का आप पूछेंगे तो फिर वो क्या जवाब दिया वो भी हक था और मबनी बर हक था मैंने इसी की तभीद अर्ज की अब मैं आपको ये मसला समझा देता हूँ कि कैसे हक था माज अकीदत की बुनियाद पर नहीं है कि वो आकल इस्लाम के जिसम अतर का हिस्सा हैं जान मुस्तफ़ा का हिस्सा हैं सैदत नसायहिलजन्ना हैं सैदत आलमीन हैं सद कायन हैं शान तथहर में मनतहा कमाल पर हैं ये सारी चीज़ें जो मैंने बयान कर दी इस वजह से नहीं कह रहा कि हक़ था अकीदत की वजह से भाई ख़ता की नस्बत नहीं करनी वो तो नहीं करनी वो तो बात हो गई मगर एक्चुअल जब वाक़ा में आते हैं तो इस वाक़ा में भी सवाल में कोई ख़ता नहीं थी अब उस हिस्से पर आ रहा हूं अब उसको गौर से समझें कि यह मसला है क्या हजूरम दुर तो की बारगाह में जो अमवाल आते थे माल आता था जो वेल्थ प्रॉपर्टीज जो आती थी वो दो तरह की थी एक को माल गनीमत कहते थे और एक को माल फे माल गनीमत उस माल को कहते हैं अमवाल गनीमत जो जंग के नतीजे में आप फ़तह करते हैं जब जंग होती है तो जैसे इलाके फतह होते हैं आपकी ज़ेर निगरानी और जेर सल्तनत आ जाते हैं तो वहाँ के जो अम्बाल होते हैं वो भी इस्लामी हुकूमत की ज़ेर निगरानी आ जाते हैं आपके पास वो फिर मुजाहिदीन और उस जंग में हिस्सा लेने वालों में तकसीम किया जाता और उसके अपने दीगर आकाम थे उसकी मसारफ़ और मदद थी तो जंग के नतीजे में जो माल आता उसको माल गनीमत कहता और दूसरा माल उसकी किस्म ये थी अंबाल दूसरे कि बाज कबीले और बाज इलाके अज खुद सरेंडर कर देते विदाउट फाइट एंड वार जंग के बगैर सरेंडर कर देते शरात के ऊपर तो जो माल बगैर जंग के आ जाता उसको माल फ़ै कहते थे जो जंग के नतीजे में आता फाइटिंग और वार के नतीजे में वो माल गनीमत कहते बूटी और दूसरा जो बग़ैर जंग के आ जाता उसको माले फैक है उसको माल फै कहते ये जो कुरानी मजीद में आता है जिक्र अमवाल गनीमत का भी अम्वाल फै का भी वो सुन लीजिए दोनों के कायदे थे सूर अनफ़ाल ये शुरू होती है यस अलूना का अनिलफ़ाल कुल अनफ़ाल उ आपसे माल गनीमत के बारे में पूछते हैं ये दसवें पारे की सूरत है अल अनफाल। अब मैं उसकी अनफाल की आयत नंबर इकतालीस पढ़ रहा हूँ आपको नफ़ मस इस फ़र्क को समझाने के लिए ताकि हम फिर आगे बढ़ें वर्स फोर्टी वन में कुरान मजीद में शायद फरमाया गया बिल्लामू अन नमा गन तुम मिनशन फ्लोम सहू व लिफ़ रसूल वल जिलकुरबा वल वलमसाकिन वबन सबील, माल गनीमत जो बूटी जंग के नतीजे में फाइटिंग और वार के नतीजे में आती तो उसकी तकसीम का एक कानून था कुरान मजीद फरमाया कि जान लो जो कुछ माल गनीमत तुमने पाया है या पाया हो उसका पाँचवा हिस्सा उसका वन फिफ्थ हिस्सा अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए ये अल्लाह इज़्ज़त ने हिस्सा मुक्र कर दिया था पांचवा और रसूल के कराबत दारों के लिए वाले कुर्बा और कराबत दारों के लिए और फिर यतामा के लिए मसाकीन के लिए और मुसाफरों के लिए यानी बकाया हिस्सा तकसीम कर दिया जाता मुजाहिदीन में बाकी सारा जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया होता था तो वो तो बाकी उनको तकसीम कर दिया जाता उससे उनके अखराज पूरे होते हैं पाँचवा हिस्सा अल्लाह के लिए अल्लाह के रसूल के लिए अहल बैत के लिए था उसमें अजवाज मतारात और सयदा कायनत का घर आना तो अहिल बैत के लिए था और उसमें से कुछ हिस्सा यतामा मसाकिन और जो वफूद आते मुसाफिर आते जाते उनकी ज़रूरियात के लिए ये इतना एक अमूमी क़ानून कुरान मजीद ने दे दिया था ये माल गनीमत के लिए इसको जेन में रख लें। अब रह गया माल फे जो बगैर जंग के आता उसका जिक्र भी कुरान मजीद की सूरा अल अलहशर में आया है पारा नंबर अट्ठाईस है ट्वेंटी एट और आयत नंबर छ और सात वर्स एंड सेवन वर्स सिक्स में आया है वमा अफा अल्लाह अला रसूल ही मेनू ये लफ्ज़ माल फ़े कुरानी मजीद की इस आयत से निकला है और माल गनीमत उस आयत से निकला है गनीम तुम गनीमत दोनों लफ्ज़ कुरानी मजीद से हैं और इसमें फरमाया जो अमवाल फे मा अफा अल्ला जो अमवाल अल्लाह ने उनसे निकाल कर अपने रसूल पर लौटा दिए हैं फ़ै का लफ्ज़ समझ लें फे का माना है रुजू लौटाना या लौटना फ़ै का माना बता रहा हूं अब इसको माल है क्यों कहते हैं कि जंग तो हुई नहीं जिसकी वजह से कि जंग में हिस्सा लेने वालों का हिस्सा बना हो और उनमें तकसीम कर दिया जाए तो जंग तो हुई नहीं तो खुद सरेंडर कर दिया अब वो माल असल अल्लाह की मिल्कियत हो गए फतह हो गई, इस्लामी सल्तनत में आ गई वो जगह तो वो सारे अमवाल अल्लाह की मिलकियत हो गए और Allah ने क्या किया अल्लाह ने वो सारे माल जो अपनी मिलकियत में थे वो रसूल को लौटा दिए फै का माना है लौटना या लौटाना रुझू और माल फै इसलिए कहते हैं कि अल्लाह पाक ने वो रसूल की मिल्कियत में लौटा दिए वो माल लौट गए अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मालिक कुल्ली तौर पर आकाल सलाम उसके मालिक है वह हिस्सा खासा है आकालम का चूंकि क्यों, क्यों? चूँकि बाकी फौजी और मुजाहिदीन उन्होंने तो उस बैटल में हिस्सा ही नहीं लिया बैटल नहीं हुई जंग तो वो जो तकसीम का तरीका था वो तो हुआ नहीं तो अल्लाह पाक ने अपनी मिल्कियत सारी की सारी रसूल को लौटा दी ये वो अल्फाज हैं इसको माल फे कहते हैं और आगे कुरानी मजीद ने कहा वमा अफा अल्लाह अला रसूल ही मिन हम फमा अफ तुम अलह है मिन खैन वला रिकान वो इसलिए फरमाया कि न तुमने उन अमवाल को हासिल करने पर अपने घोड़े दौड़ाए थे न ऊंट दौड़ाए थे यानी आपने जंग नहीं लड़ी अल्लाह के पास आ गए अल्लाह ने सारे अमवाल रसूल को दे दिए अब अगली आयत नंबर सेवन है मा अफा अल्लाह अल्ला रसूल ही मिन अहल कुर जो अमवाल यानी अमवाल फे अल्लाह ने उन मफतुआ बस्तियों वालों से निकाल कर अफा अल्लाह अला रसूल ही जो बात मैंने पहले की फे का माना समझाते हुए कि अल्लाह ने लौटा दिए वो अब अगली आयत में आ गया है माँ अफा अल्लाह अला रसूलही पहली वाली आयत में भी वही था वह माँ अफा अल्लाह अला रसूलही कि अल्लाह ने वो माल अपने रसूल की तरफ लौटा दिया रसूल को बना दिया उसका मालिक मिना कुरा उन बस्तियों का जो मफतवा हुई फलिल्लाह है वलिर रसूल वलिज़िल क़ुरबा वल यतामा, वल वलमसाकिन वबन सबीर अब औरों का तो हिस्सा नहीं है अब ये सारा इसके मालिक अल्लाह की ज़ात है अल्लाह ने सारी मिलकियत रसूल को लौटा दी तो रसूल मालिक है और हुजूर के करापदार आपकी अहलबैत मालिक है और उसमें से फिर यतामा को दें और मसाकिन को दें और मुसाफिरों को दें ये सारा का सारा तसरफ हजूराम को दे दिया गया इसके हिस्से अलग से मुकर नहीं थे कवानीन नहीं बनाए गए थे कि जो माल फ़ै है उसका पाँचवा हिस्सा इधर जाएगा बाकी उसके जो चार हिस्से इधर जाएंगे उसके हिस्स अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में नहीं बनाए थे और ना आकल आकलम ने उनको डिक्लेयर किया था कि उस उसको इतना मिलेगा वो खाल सतन आकलम की मिल्कियत और आपका तसरफ बन पाया था माल फ़ै अल्लाह पाक ने सिर्फ मद्दात बयान कर दी कि अल्लाह के रसूल के लिए और रसूल की अहले बैत के लिए वलिजिल कर्बा कर के लिए और उसमें यतामा को भी दें मसाकिन को दें मुसाफिरों को दें माल फै के लिए यह बता दिया कुरानी मजीद ने उसूल अब यह जो अमाल फै थे जो बगैर जंग के आए थे उनमें से माल फदक था फदक एक गांव था मदीना तैयबा के कुछ फासले पर जब आप खैबर फतेह करके वापस पलटे तो अहले फ़दक ने अज खुद सरेंडर कर दिया और आक इस्लाम से माहिदा करके से मदीना के ताबे हो गए और फदक के जो अमवाल थे वो इस्लाम के मिलकियत में आ गए तो इन अमवाल फ़ै में से कुरेज़ा के अमवाल थे बनु नज़ीर के अमवाल थे फ़दक था कुछ खैबर का हिस्सा भी आकाल इस्लाम के लिए फ़िक्स हो गया था कुछ उड़ैना के करिए थे बस्तियाँ थी उरैना ये वो अम्बाल थे जिनका हुक्म माल फ़ै के तहत आता था और ये जो माल फै था ये इस्लाम की मिल्कियत खासा में थे आपकी तरफ लौटा दिए थे और आपकी अहल बैत के लिए और फिर बाकी कुछ जिसे रख दिए थे जिन जिन को चाहे आकाल इस्लाम इनको यानी बनो हाशिम के लिए कराबदारों बनलब के लिए इस्तेमाल फरमाते और इसी अमवाल फैमे से आकलात पूरे साल का खर्चा इकट्ठा निकाल के अहल बैत को दे देते दे थे, थे यह आपका मामूल था पूरे साल का खर्चा मैं फिर दोहरा रहा हूँ अहल बैत अतार अपने अहल खाना का अजवाज मुतारात का और सयद कायन और आपका जो घराना था असनैन करीमैन पूरे साल का खर्चा अमवाल फैमे से निकाल कर आकलम अहल बैत को दे देते दे थे ताकि इधर से बेफिक्री हो जाए जो बचता उसको फिर बाकी मददात पर खर्च करते आने वाले जो सरकारी मुसाफिर और वफूद आते उन पे भी खर्च करते सरकारी अहदेदारान जिम्मेदारान पे भी खर्च करते रियाती अमूर पे भी खर्च करते साल भर का खर्चा अहले बैत को दे देने के बाद जो बचता उनको दीगर अहम रियाती और दीनी उमूर पे खर्च फरमाते थे यह अमवाल फै का तरीका था अब ये मैंने आपको स्टेटस बता दिया आका सलाम का जब विसार हो गया तो उम्र भर हजूर सलातम का मामूल ये रहा मगर आपने टेट की पॉलिसी डिक्लेयर नहीं फरमाई थी कि यह किसके कब्जो इनसे राम में रहेगा यह अम्वाल फ़ै। चूँकि किसी और को तो तकसीम नहीं होने जब अम्वाल गनीमत तकसीम होते हैं तो उन्हें मालिक बना दिया जाता जिसको देते हैं आकल इस्लामी देते थे मगर जिसको देते वो उसका मालिक हो जाता और जो हिस्सा खोम हिस्सा रख लेते वो अपने और अपनी अहल बैत को भी देते अमाल गनीमत में से भी और अमवाल फ़ै में से मामूल ये था कि सबसे पहले अहल बैत को देते पूरे साल का खर्चा दे देते ये बरक्स होता और जो बचता उसको फिर दीगर रियासी अमूर पर खर्च करते अब इसको कौन मैनेज करेगा अमवाल फ़ै को फ़े के माल को किसके कब्जे में रहेंगे कौन मैनेज करेगा इस्लाम के विशाल के बाद इसकी क्या पोजीशन होगी और ये जो इस्लाम तसरफ फरमाते थे इस तसरफ की नोयत क्या थी इस पर कैटेगोरी इस्लाम ने पॉलिसी जारी नहीं फरमाई थी डिक्लेयर नहीं फरमाई थी सो तो सिहबा कराम को अल बैत अथार को सब को इसकी पॉलिसी जो है स्टेट पॉलिसी वो क्लियर नहीं थी आकाल इस्लाम ने इस मौजू को छोड़ दिया बहुत से उन उमूर की तरह जो आकाल इस्लाम ने उम्मत के लिए छोड़ दिए जिसमें खुद खलीफा का तकर भी शामिल है आकाल इस्लाम ने खुद अपने बाद अपने लिए कोई खलीफा खुद मुकर्र नहीं फरमाया उम्मत के लिए छोड़ दिए अब बात को समझ गया ना यही वजह है कि इस पर बहस हुई सकीफा बनाहा में महाजरीन और अनसार की राय मुख्तलिफ हुई और फिर फाइनली डिस्कशन के बाद सईदना सिद्दी के पर तरफाक हुआ और बैत हुई अगर आकलम मुकर्र फरमा देते कि मेरे बाद अबू बकर खलीफा होगा या मेरे बाद फलां खलीफा होगा तो इस पर ही ना होती इस पर महाजरीन और अनसार का इख्तराफ ही ना होता सो आक सलाम ने यह उम्मत की शवाब दीद पर छोड़ दिया था और उम्मत ने तकर्र किया फिर सैदना सिद्दी अकबर ने सदना फारूक आजम को शानदेही की और आपके बैत ले ली उनकी तकरी करके मुशावरत की और बैत ली सीधा फारूक आजम का जमाना आया तो डिफरेंट तरीका अपनाया उन्होंने छह रुकनी कौंसल बनाई और कौंसल के सबुर्द कर दिया कि वो किसी एक को मुंतब करे अपने अंदर में से देखो हर एक का तरीका मुख्तलिफ रहा मगर किसी के तरीके में खतरा नहीं थी आकल ने इसको बगैर तयन के तकर दिया था तो सीधना सीदना सदी अकबर का बाहमी एक मुशावरत और बहस व तमीज़ के बाद तकर हुआ सैदना फारूक आजम का तकर सईदना सदी के अकबर की नॉमिनेशन आपने नॉमिनेट कर दिया तब तकर हो गया जो सीदना स्स्मान गनी का हुआ है वो वीदना फारूक आजम ने एक कौंसल बना दी उनको कहा कि आप बहस करके कसरत राय से खुद फैसला कर लो और उनका फैसला न हुआ वोट बराबर बराबर हो गए फिर हज़रत अब्दुलरहमान बिन औफ को मुकरर किया गया जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उन्होंने पूरे अहले मदीना के लोगों से राय ली और कसरत राय से रिपोर्ट दी और सैदना स्स्मानी गनी मुकर हुए जब सीदना स्स्मानी गनी की शहादत हुई तो सैदना अली का वक्त आया वो इस तरीके पर भी नहीं हुए वो मजलिस शूरा बन चुकी थी फरमाया शूरा जिसका फैसला करेगी वो खलीफा होगा आपने देखा खलफाए राशद में से चारों खलफा का तरीका तकर मुख्तलिफ है मगर किसी एक तरीके में ख़ता नहीं सारे तरीके ज़रूर हैं मगर सारे हक पर हैं आकलम का मंशा ये था उम्मत को दे दिया ताकि वो डिवेलप करें स्टेट पॉलिसी को डिवेलप करें और पोलिटिकल सिस्टम को डिवेलप करें मुख्तलिफन देखें ताकि आने वाले ज़मानों में उम्मत के लिए रास्ते खुलें जिसमें आकलम रास्ता खोलना चाहते थे मुंतकिल कर देते कभी आने वाले खलफा और वली और अमर के सपुर कर देते कि जैसे हालात होंगे आप स्टेट पॉलिसी बना लें मगर आकल आकलम उनको इख्तियार देते कि जो फैसला करेंगे वह मेरी सुन्नत का तसलसल है ये जो अंबाल फैथ थे ये याद रख लें आकल इसलम ने पूरी उम्र न तो इसकी जो मनफियत है और इससे आने वाली आमदनी का खर्चा ना अपनी अहल बैत के लिए सिर्फ मुख्त रखा मगर उनको मुकदम रखा सबसे पहले पूरे साल का खर्चा उनको दे देते अब ये एक सवाल था कि जब माल फै आता तो उसकी आमदनी में से सबसे पहले साल भर का खर्चा अहिबैद को जाता था किसी और को नहीं मिलता था जैसे माल गनीमत के हिस्से मुकर थे माल फै के नहीं थे फदक माल फै में से था मैंने बताया इस तरह कुछ खैबर में से भी था कुछ मदीना के अम्बाल में से बनु नजीर में से भी थे जिसका सवाल हुआ इसको आकाल सलाम ने उसी तरह क्लियर नहीं फरमाया जिस तरह अपने बाद खलीफे के को उम्मत के लिए छोड़ दिया क्योंकि उम्मत के लिए छोड़ दिया सो हुए आ, अनसार ने पहले कहा हमारा हक है महाजरीन ने अपने दलाइल दिए तो अल्टीमेटली इस तरीके से डिसाइड हुआ और फिर हर खलीफा राशिद ने अपने बाद के खलीफे के तकर्र के लिए जुदा पॉलिसी इख्तियार की तीसरे ने अलग की चौथे की अलग हुई मगर चारों पॉलिसीज़ मुख्तलिफ थी मगर सब हक पर थी ये तवस् होता है ये जो माल फै था अम वालिफ फ़ै जिसमें फदक आई ये मैंने अर्ज कर दिया कि इसका उम्र भर इस्लाम इसको तकसीम फरमाते थे इसकी अर्निंग्स को मगर इसके लिए अनाउंसमेंट नहीं की थी कि इसको कौन कंट्रोल करेगा मैं, अब तो मैं आका सलात नबी भी खुद हैं अहिल बैत भी खुद हैं मेरे आका आ हाकिम भी खुद हैं अब तो स, तमाम अथॉरिटीज यकजा है ना अब आकाल इस्लाम के बाद अब इसको किस तरह मैनेज किया जाएगा कौन एडमिनिस्टर करेगा किसके कब्जा में होगी आया जिन जिन को इसे देता हूँ वो इसको होल्ड करेंगे या रियासत होल्ड करेगी आकाल इस्लाम ने इस पर पॉलिसी को डिक्लेयर नहीं फरमाया था बहुत से दीगर उमूर की तरह जैसे खुद कुरान मजीद का जमा करना खुद जमा नहीं फरमाया छोड़ दिया उम्मत पर मालूम है कि वक्त आएगा जमा कर लेंगे इसी वजह से तो वो इख्तलाफ हुआ राय में सीधना सदी के अकबर सीजना फारूक आजम में जमा करें या न करें कुरानी मजीद को किताबी सूरत में हजूर ने नहीं किया इस तरह मसला तरावी है नमाज तरावी खुद पूरा महीना तीस की तीस रातें जमात नहीं करवाई तरावी की तीन रातें पड़ी बाहर निकले फिर आपने छोड़ दिया कहीं उम्मत फ़र्ज न समझे सीजना फारूक आजम ने देखा कि लोग जुदा जुदा पढ़ रहे हैं वो भई मैंने कहा रजील्ला तमाम मुकर करके खड़ा कर दी वो तरीक़ भी हक़ था सिद्दीक अकबर के ज़माने रज़ी तरीक़ भी हक था, था। फ़ारूक़ आज़म का तरीक भी हक था उम्मत सीजना फ़ारूक आजम के तरीक़ पर चल पड़ी ये भी सही बखारी में है बहुत से ऐसे अकाम थे जो हमतों की वजह से सलाम ने बाद में खुलाफा खिलाफत के सपुरद कर दिए स्टेट के ताकि इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन डिवेलप हों सोचने के तरीके डिवेलप हों कानून साजी बने इस तरह लेजस्ेशन के तरीके डिवेलप हों और इस तरह पॉलिसीज़ बने उनमें से यह मसला है फदक और अमवालिफ है किसके कब्जे में हो कंट्रोल में हो पोजेशन में हो क्या पॉलिसी हो यह भी उसी तरह था अब इसमें बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात याद रख लें जब इस्लाम का विशाल हो गया तो अब इस्लाम इस पर तसरफ फरमाते थे यानी तकसीम करते थे अमवाल और जो बच जाता फिर वह आगे तकसीम करते मगर यह चीज क्लियर नहीं थी कि यह तसरफ किस हैसियत में था ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और ये तीन इम्कान हो सकते हैं तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं ये क्लियर नहीं था सिहबा कराम पर किसी पर भी अहल बैत अतारहबा कराम किसी पर क्लियर नहीं था कि ये जो अमवाल फैप तसरफ फरमाते थे आकलम फ़दक के अमवाल पर और उस जैसे दीगर अमवाल पर आया वो तसरफ जो था वह ताती मिल्कियत की यासीत में था या आकल इस्लाम ने उनको इन मददाद के लिए वक्फ कर रखा था तो वो तसरफ यानी इस्तेमाल करना वक्त के माना में था वक्त की हुक्म में था या वो तसरफ बैतुलमाल की हैसियत रखते थे वो माल प्रॉपर्टी तो वह बैतुलमाल का तसरफ था अब ये अलग अलग पोजीशन के किस हैसियत में तसरफ फरमाते थे मिलकियत की हैसियत में वक्त के तौर पर या बैतलम के तौर पर यह क्लियर नहीं था किसी को भी क्लियर नहीं था और याद रख लेर की, की वरासत नहीं होती या दिनार वरासत नहीं होती हमारा जो छोड़ते हैं तरका वो सदका होता है वह हदीस खास नहीं है माल फे के लिए फदक के लिए किसी चीज के लिए उसका है मतलब यह था कि हम दरम दिनार माल दौलत नहीं छोड़ते जो छोड़ते हैं वो तरका जो है वो सदका होता है ये हुक्म आम था कईयों को मालूम नहीं होगा और जिनको मालूम था भी तो तब भी ये मसाला खास था हुक्म आम था कि वो हुक्म जो है कि जो तरका वो वरासत नहीं होता वो सदका होता है उसका इतला किस चीज पर होगा और किस चीज पर नहीं होगा ये क्लियर नहीं था और अब इस तसरफ के तीन इम्कान हो सकते थे या वो तसरुफ अम्बाल फ़ै पर या फदक पर तसरफ मालिकाना हो या तसरफ वाक़ाना हो यानी वक्त ट्रस्ट के तौर पर तसरफ हो वाफाना हो या तसरफ हा के माना हो स्टेट का तसरफ हो गवर्नमेंट का जैसे बैतलम का तो स्टेट का भी राइट है तसरफ करके माल अहल बैत को दिए कराबदारों को दिए फिर यामा मसाकिन को फिर रियासत के मेहमानों को ऑफिशल डेलीगेट पर खर्च किए तो ये तसरुफ हाकिमाना हो गया बतौर हाकिम के बतौर रूलर के तसरफ वाकफाना ये हुआ कि इन बदात के लिए वक्फ कर रखे थे आकलम ने उनके लिए डेडिकेट कर दिए वक्फ हो गए वो ट्रस्ट बन गए तो ट्रस्ट की हैसियत से तसरफ फरमाते थे एज ए ट्रस्टी एज ए ट्रस्टी तो वाकिफ़ आना है यह मालिकाना है एज एन ओनर के इनके मालिक थे चूंकि अल्लाह ने इनकी मिलकियत हजूसम की तरफ लौटा दी थी यह कुरान की नस है अब जो मिल्कियत अल्लाह ने रसूल की तरफ लौटा दी है उसका क्या बनेगा अब आग, वो आकल सलाम ने खुद नहीं कमाए एक होता है वो माल जो कमाया जाता है तिजारत के जरिए यह माल गनीमत के हिस्से में आता है या और जराए से आता है ये वो माल नहीं थे ये माल अल्लाह इसका मालिक था अफा अल्लाह रसूल अल्लाह मालिक था अल्लाह ने अपनी इस मिल्कियत को रसूल की तरफ लौटा दिया था अब ये माल बगैर जंग के रसूल को अल्लाह ने मालिक बना दिया इस पर भी उस हुक्म का इतलाक होगा या नहीं होगा इस पर स्टेट पॉलिसी बनना बाकी थी बनाई नहीं थी आकाल इस्लाम ने सिर्फ तसर फरमाते थे बाद में क्या होगा ये अभी नहीं थी इस स्टेट पॉलिसी के बनाने की जरूरत थी उस पॉलिसी को पूछने के लिए सीद कायनात गई जरत सिदी के अकबर रजील् तुम की खिदमत में कि ये जो माल फदक और जो अमवाल फे हैं इनके लिए क्या हुक्म है ये वरासत का माल है उनका ख्याल था वरासत का माल है सलाम ने इन अमवाल ख़ुसूसिया के बारे में अलग से पॉलिसी दी नहीं थी और सीधना सिद्धी के अकबर के पास भी नहीं थी पॉलिसी सुन लें यह नहीं कि उनके पास थी उन्होंने जिस हदीस से इस्तलाल फरमाया वह हदीस आम थी कि हम जो छोड़ते हैं मैं हम उस पर आ रहा हूं आगे हदीस में मैं बुखारी मुस्लिम की हदीसों पर आ रहा हूं बाद में वो सदका होता है आया सदका का इतलाक इन पर भी होगा चूंकि अल्लाह रबु लज़त ने अपनी मिल्कियत बतौर खास रसूल पर लौटा दी थी और साथ फरमाया था रसूल के लिए वल लुरबा और हजूर के खराबत के लिए तो फिर अगला सवाल था कि रसूल पर तो लौटा दी थी तो जिस माल का आकलम की मिल्कियत में जो माल था उसका हुक्म क्या होगा वो तो सदका हो गया मगर जो अल्लाह पाक ने लौटा कराबतदार अहले बैत को हिस्सा दे दिया था तो अहले बैत तो रसूल नहीं है अहले बैत तो नबी खुद नहीं है तो जो अल्लाह ने अहले बैत को बजरिया रसूल का हिस्सा दे दिया था उसकी तो वरासत होगी वो कहां होगा क्या उसको भी स्टेट रखेगी या वो उनको दे दिया जाएगा यह सारा मसला हल तरफ था जैसे खिलाफत का मसला हल तरफ था जैसे कुरानी मजीद को जमा करना हल तलब था और इस तरह के बेशुमार मसाइल हल तलब थे जो सलाम ने हमतन उम्मत के सपुरद कर दिए यानी अपने बाद के खुलफा के सपुरद कर दिए तो ये मालूम नहीं था किसी को कि कहिए तशरफ जो अकाल सलाम अम्बाल फे पे करते थे ये मालिकाना हैसीयत से था वाकफाना था या हाकमाना था अब जब ये आकल इस्लाम ने खुद नस से क्लियर न फरमाया हो या कुरानी मजीद ने क्लियर न किया हो खास्वाल फे का नाम लेकर कह रहा हूं तो फिर जो भी इसकी ताबीर कर ले इन तीनों में से एक वो जायज और हक होगी अनलेस के स्टेट एक नया कानून न बना दे तो जिसने इस तसरब को हाकिमाना समझा जैसे सीदना सीदी अकबर ने तो वो भी जायज है हक है जिसने इस तसरुफ को वाकफाना बतौर वक्फ के समझा वो भी जायज और हक होगा जिसने तसरुफ को मालिकाना समझा वो भी जायज और हक होगा चूँकि ये सारी तबीरत इजतहाद तो सयदा कायनात ने भी इश्तहाद फरमाया और सदना सिद्दीक अकबर ने भी इश्तहाद फरमाया ये बात बड़ी क्लियर रहनी चाहिए दोनों ने इश्हाद फरमाया जहां नस न हो कैटगोरीकल एक कजिया की एक कजिया एक एक स्पेसिफिक के ऊपर एक नस जहाँ तक न हो और फिर हुक्मूमी का इतलाक़ करके वज़ा किया जाए वो इश्हाद होता है उसका मतलब होता है इसकी तदबी इस पर की जाए इतलाक इस पर किया जाए ये इंतबाक का इश्हाद होता है ये इश्हाद इतबाकी होता है इश्तिहाद तफसीरी होता है तफसीर की जाती है उसके ज़रिए एक मुबहम चीज़ चीज की तफसी की जाती है तशरी की जाती है तफसील की जाती है एक गैर वाज़ चीज़ का पर इतला किया जाता है एक हुक्म आम के ऊपर उसका खास के ऊपर भी उस हुक्म को लगा दिया जाता है ये कई वजूह हैं इश्तहाद इज इज की ताबीरी भी है तशरीही भी है ततमीकी भी है इश्तहाद तफसीरी भी है इस्तमती भी है तो इससानी भी है इसलाही भी है इश्तिहाद की बहुत सारी शक्लें होती तो जिसके भी जो राय भी थी या हो सकती थी वो सब थे। इन इनमें से कोई एक भी हुक्म रसूल के खिलाफ नहीं खड़ा था क्योंकि स्पेसिफिक अंबाल फै आगे कैसे मैनेज होंगे इस पर हुक्म रसूल था ही नहीं कोई तो सब तबी दुरुस्त थी जब ये दुरुस्त थी तो उसके नतीजे में ये एक सवाल पैदा हुआ अब ये जहन में रख लें ये सवाल सिर्फ सैद कायनत सलामुल्ल के जहन मुबारक में नहीं पैदा हुआ कि उनके ऊपर बात ला के खड़ी कर दी जाए कि नहीं उन उनके सिर्फ उन्होंने सिर्फ ये नहीं पूछा ये सवाल सीदना अली शेर खुदा ने भी पूछा है और यही सवाल सीदना अब्बास बे अब्दुलमतलब ने भी पूछा है और यही सवाल अजवाज मतःहरा ने भी पूछा है अब ये लोगों को मालूम नहीं कभी ये चीज़ें जेर बहस नहीं आती तो किस किस को हम खतवार ठहराएंगे माजल्ला या किस किस के पूछने को ख़ता करार देंगे ये फिर दोहरा रहा हूँ यानी सयद कायनात ने पूछा है भाई स्टेट पॉलिसी बनवानी है जो उम्मत के लिए छोड़ गए हैं आने वाले खुलफा के लिए छोड़ गए सैदना अली शेर खुदा ने पूछा है जो बाब है हजरत अब्बास ने पूछा है और मैं अर्ज कर रहा हूं बाकी अजवाज मुतहरात ने भी पूछा है तो अगर यह सवाल करने को हम खता समझें तो सारे ही माजल्ला खतावार बार बन जाते हैं। ऐसा नहीं है हर किसी का पूछना खता बन जाएगा कौन बचेगा ऐसी बात नहीं है अब आप हैरान हो जाएंगे कि हर एक ने पूछा है किस तरह यह सही बुखारी है मेरे सामने सही बुखारी की किताबुल फराइद इसके अंदर मैं हदीस जो रिवायत कर रहा हूं उसमें हजरत अली और हजरत अब्बास रजील्ला दोनों अब जलील क़दर सिहाबा वो सीजना फारुक आजम रजी अल्लाह तु के पास आए यही गुफ्तु हो रही है इसी पर इस पर सीजना फारुक आजम उनके सवाल के जवाब में उनसे बयान फरमाते हैं काला उमर फैनी मैं तुम्हें इस मसले के बारे में एक चीज़ बताता हूँ अब सैजना फारुक आजम जवाब दे रहे हैं वो क्या जवाब है फरमाते इन अल्लाह कद कानसू फिहाज बे आहदन फरमाया कि अल्लाह रबुलिदत ने यह जो माल फे है इसमें से कुछ हिस्सा अल्लाह पाक ने रसूल पाक के लिए खास कर दिया था और उसमें से किसी और को हिस्सा नहीं दिया था वो सिर्फ आकाल इस्लाम के लिए हिस्सा खास था और उसमें से किसी को कोई हिस्सा अता नहीं किया था अब ये अमर जिसकी तशरी सहीदना फारूक आजम रजी अल्लाह तरमा रहे हैं यही तशरी तलब था इसी पर सवाल था वो हिस्सा जो अल्लाह पाक ने सिर्फ़ रसूल पाकसलम के लिए खास कर दिया था और किसी और को नहीं दिया था अब उस पर सीजना फारूक आजम फरमाते हैं आगे यही हदीस सही बुखारी की चल रही <स्थारी> फकाल अज वजल माफा अल्लाह रसूल ही ही कदीर पूरी सूर हशर की आयत पढ़ दी वो माल जो अल्लाह पाक ने लौटा दिए है अपने रसूल को खास सतन उसका मालिक बना दिया अब उसका बाद में क्या होगा इसकी पॉलिसी नहीं थी यही बात सीजना फारूक आजम फरमा रहे हैं फ़कानत आगे सुनिए फ़कानत खाल सतन रसूल सल्लम फरमा ये अमवाल का जो हिस्सा है माल फैम यह खाल सतन रसूल सल वसम के लिए था ये आयत पूरी पढ़ के बता दी और फिर हजूर की कराबत दार आपकी आहिबै के लिए था तो बड़ा सवाल था कि जो खाल सतन आकम के लिए था उस पर वरासत होगी या नहीं और अगर उस पर नहीं है तो जो हिस्सा उसमें से अहले बैत के लिए था तो अहले बैत तो रसूल नहीं है कि उनके माल का तरका जो है वो सारा सदका होगा उन पर तो भुक्म लागू नहीं होगा तो जो अहलैत के लिए मजीद ने का उसकी तो वरासत है उसका क्या निजाम होगा आया वो भी स्टेट चलाएगी या हमें जिम्मेदार बना दिया जाएगा कि हम ले और उसको अहकाम इलाहिया और अहकाम के मुताबिक तकसीम करें यह एरिया था जिसको एड्रेस करने की जरूरत थी जिस पर कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिसी या लॉ बनाना था यह सीधरा फारूक आजम फरमाते कि खाल सतन आगे इसी हदीस में सीधना फारूक आजम रजी तरमा रहे तो इस्लाम क्या करते फकान नबी विकलम नफाकता सनत ही तो सीधर फारूक आजम बता रहे हैं कि आकलम ये जो माल था माल फै का इसमें से पूरे साल का खर्चा अपनी अहल बैत का निकाल के उनको दे देते दे थे यहीं से सवाल पैदा हुआ जब पूरे साल का खर्च ये नहीं कि एक रोजमर्रा का खर्च या हफ्ते का खर्च या वक्ता फवक्ता उसमें से दे नहीं किसी और को साल का खर्चा नहीं देते थे ये माल फै है माल गनीमत पूरा मालिक बना देते थे, थे हर एक को जो हिस्सेदार आए जंग में हिस्सा लिया शुर हुए उन सारों को दे दिया माल वो मालिक हो गए उनकी औलादें मालिक हो गई अब इसमें से पूरी बैत के लिए साल भर का खर्चा दे देते अब जो बैत के लिए पूरे साल का खर्चा दे देते तो ये क्वेश्चन एक हल तलब था कि अब क्या होगा अब ये जो साल भर का खर्चा ये हमारी वरासत है हमने ही लेना और इसको मैनेज करना है या स्टेट लेगी करेगी इस पर क्लैरिटी आकर इस्लाम ने की नहीं आइंदा के लिए छोड़ दिया कि आने वाले वरीमर करेंगे यानी मतलब ये कि आइंदा के, के खलफा करेंगे जो आकल इस्लाम के नायब होंगे सदुद नायब के पास ही जाना था ना पॉलिसी बनवाने के लिए खलीफा रसूल के पास ही तो जाना था यह पॉलिसी क्या है उसको तलब करें अगर हमारा हक है तो दे हम मैनेज करें नहीं है तो वाजह करें उन्होंने वाज फरमा दिया कि हम हजू इस्लाम के नायब के तौर पर स्टेट मैनेज करेगी आपने फरमाए ठीक तो ना उधर सवाल से पहले खता थी ना सवाल में खता थी ना सवाल के बाद खता थी ना जवाब में खता थी ना अमल दरामद में खता थी कहीं भी तो फिर हदीस में आता है सही बुखारी में तो सारा माल एक साल भर का खर्चा देने के बाद जो बचदा फिर वो अल्लाह के माल के तौर पे फिर आकर इस्लाम खर्च करते थे दीगर मददात पर ये इसका तरीकार था जिसको सही बुखारी से मैंने आपको पढ़ के बता दिया ये मैं आपको सही बुखारी की एक और हदीस भी बता देता हूँ इसमें भी सैदना फारुक़ आजम रजी अल्लाह तनों से रिवायत है आप फरमाते हैं अन्ना नबी सल वसलम पहली जो मैंने हदीस पढ़ी उसमें सैदना फारूक आजम रजी अल्लाह तैदना अलीजा को और सैदना अब्बास बिन अब्दुलमतलब को जवाब दे रहे हैं उनके सवाल पर तो हम उनको तो ख़ा नहीं कह सकते किस किस को ख़ताबा ठहराएंगे ये पॉलिसी साजी का मसला था तो सीधना फारूक आजम रजी तुम तो इस अदीस में फरमा रहे अनबी कान यूता फद का भी यही था बनी नदीर का भी ये उसूल था और मैंने आपको कई और बता दिया फरमाया कि आकाम जो बनी नज़ीर की खजूरें वगैरह बेच के उसके खर्चे से पूरी अहल बैत के लिए पूरे साल का खर्चा उनके लिए जोड़ के रख लेते और उनको देते अब सवाल यह था कि आकल इस्लाम के मिसाल के बाद यह हिस्सा बाकी किसी वरासत की बात नहीं हो रही यह हिस्सा जो पूरा साल सारा इनका और अगले साल का मतलब है कि नेक्स्ट ईयर फिर साल का रख लेते तो मिलता ही इनको था जो हिस्सा वो हिस्सा जो सिर्फ इनको मिलता था और साल भर का खर्चा मिलता था उसको मैनेज कौन करेगा वो मीराश है वरासत है उसको हम खुद अपने कंट्रोल में रखेंगे और हम ही नहीं तकसीम करना और बाकी जो जिम्मेदारियां उसके साथ मुतलक़ा थी उम्मत की वो भी हमने निभानी है या स्टेट रखेगी ये वरासत में आता है या मैंने कहा तसरफ मालिकाना में आता है वाकिफाना में आता है या आकेमाना में आता है किस बाब में आता है? ये वो पॉलिसी बनवाने के लिए आप गई ये सही बुखारी की अगली हदीस आपको बयान कर दी अब इसके ऊपर एक और हदीस जो मैंने आपको पहले भी पढ़ के सुना दी वो इस जगह किताब नफाकत में भी दोबारा आई है दोबारा आई है किताब नफाकत में कि ये वो मैंने अर्ज किया कि इससे क्वेश्चन उभरता था जिसका जवाब मौजूद नहीं था और जवाब मौजूद नहीं था से मुराद इसके लिए पॉलिसी बनानी थी अब यही चीज सही बुखारी उसमें उस में भी अल्फाज हैं वो जो सीधा सीधा कायनात अलैहा ने जो भेजा किसी को सीधना सिद्दीक अकबर की खिदमत में या खुद इरशाद फरमाया उनसे मीरास की बात की आकलम से पूछा मीरास का तो उसके अल्फाज से तस अलहू मीरा सहा मिन रसूल मम्मा अफ़ा अल्ला बिलमदीना थे व फ़दक व माँ बाया मिन ख़ोमो से खईबर वो तीन चीज़ें थी वह तो फ़दक और मदीना की जो खौस जायदें और ख़ैबर का जोमस था खोमस वह जो कुरान मजीद ने बयान किया मैंने आपको सूर्य अनफाल में से आयत पढ़ के सुना दी तो ये हुक्म कुरान थे सयद कायन का सवाल कुरानी अकाम पर मबनी था

जैसे पार्लियामेंट फैसला करती है एक कानून साजी कर दे, या सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करती है एक कानून साजी कर दे वो आइन की शरा हो जाती है। खत्म हो गई बात उनकी अथॉरिटी इस्लाम की हदीस को उन्होंने इतलाक कर दिया अम्बाल फैपर भी फदक पर भी अम्वाल मदीना जो खास थे बनु नदीर के उन पर भी और खोम से खैबर पर भी यह इतलाक आक इस्लाम ने नहीं फरमाया था यह खलफा के लिए छोड़ दिया था इस पर मैं वो हदीस एक आपको सुना दूंगा कैसे छोड़ दिया था कोई ये ना कह दे कि फिर माज उन्होंने ज्यादती की सैदना सिद्दीकी के नहीं ये भी आकल इस्लाम के गए थे ये बात कि बाद में सेटल करें ये सुन अबी दाऊद की हदीस पढ़ रहा हूँ सुन अबी दाऊद हदीस नंबर उनतीस सतर ट्वेंटी नाइन सेवनटी सेवन हदीस नंबर है किताब अलखराज इसमें हदीस है आकल ने जो फरमाया लानू रसो हमारे माल के वारिस नहीं होते वरासत नहीं होती माँ तरकना फो सदा का तुम जो छोड़ते हैं वो सदका का होता है ये कह के फिर इर्शाद फरमाए इन्ना इन्नामां हाजल माल आल महमदिन ल नाबत वाले दईफत हम ये वो हदीस है इस्लाम की जो ज़रूरत पैदा करती है सयद कायन के पूछने की और मौला अलीतज़ा के पूछने की हजरत अब्बास के पूछने की और आगे अजवाज मुतारात की भी सुनाता हूँ उन्होंने भी पूछा है यही सवाल अजवाज मुतारात ने भी किया सही बुखारी में है। यह हदीस आकल इस्लाम का फरमान जरूरत पैदा करता है कि पूछा जाए कि इस्लाम ने फरमाया बेशक हम जो छोड़ते हैं वो सदका होता है वरासत नहीं होती मगर वह इन नमा मगर खालिस ये माल इन नमा में हसर के साथ हाजल माल ये जो माल फे है ले आले मोहम्मद ये आल मोहम्मद के लिए है और जो उनके नाइबीन नुमाइंदे हैं और उनके जो जुयूफ हैं और यानी उनके अखराजात के लिए यह सलाम ने फरमा दिया और अगली बात सलाम ने फरमाई ये मैनेज कौन करेगा फैजामु फलामन वाली अमर अमिनी जब मेरी वफात हो जाए तो जो वलीअमर बनेगा यानी खलीफा बनेगा मेरा जो खलीफा बनेगा इसको मैनेज वो करेगा यह हदीस बात में तो दो कजिए हैं जेन में रख लें, दो प्रिंसिपल बयान हुए हैं अब आप बात को समझ गए कि ये तीन हुक्म इकट्ठे एक ही हदीस में चल रहे थे एक तो आकम का ये फरमान कि हम जो छोड़ते हैं वो सदका है वरासत नहीं होती वन थिंग दूसरा फरमान आकलम का जो इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया फरमाया इन नमा कलम हसर के साथ रह गया ये माल माल फे अब ये बात फिर मैं दोहरा रहा हूँ एक फरमाया लू रसो हमारा हम वरासत नहीं छोड़ते हमारी वरासत नहीं होती हम जो छोड़ते हैं वो सदका होता एक कुलिया दूसरा कुलिया व इन नमा रह गए अमवाल ये जिसमें फदक और ये चीज़ें आती हैं हाजल माल आल मोहम्मद नहीं ये जो आल महमद है अहल है ये उनकी ज़रूरियात और उनके मेहमानों और उनके अखराजात के लिए अब ये दूसरा कायदा अब आप खुद सोच लेंगे बात को कि ये वजाहत तलब ये सवाल था सवाल की हाजत थी कि नहीं ये एहसान है सैयद कायनात का पूरी अहल पर और सारे क़राम पर कि इसकी पॉलिसी बनवाई आपने इसी पॉलिसी के लिए अली शेर खुदा भज अबास मुतल भी गए और यही पॉलिसी साजी के लिए अजवाज मुतारात ने भी बात की तो यह फरमाया कि रह गया यह माल यानी माल फ़ै यह आल मोहम्मद के लिए तो तुमका यह सवाल था कि इस माल का हुक्म क्या होगा बाकी अम्बाल की तो वरासत नहीं है सदका हो गया मगर ये जो आकर इस्लाम ने फरमाया इन नसर के साथ के रह गया ये माल जो माल फै है यह आल मोहम्मद के लिए अब ये जो आल मोहम्मद के लिए माल है उनके अखराजा मैनेज किस तरीके से होंगे क्या आप हमें देंगे हम खुद अपने पोजेशन में रखें और खुद मैनेज करें खुद एडमिनिस्टर करें या आप करेंगे इस्लाम किस कैपेसिटी में मैनेज करते थे मिल्कित की कैपेसिटी में या वक्फ करने वाकिफ की कैपेसिटी में या हाकिम की कैपेसिटी में यह सवाल था तय तलब और तीसरी बात आकलम ने इसका रास्ता दिखा दिया था फरमाया फैजा मुद्दों तो जब मेरी वफात हो जाएगी होवा मन वाली अमर तो इसका फैसला करना मेरे बाद मेरे ख़रीफ़ और नायब के पास होगा यानी खुद ऐलान नहीं फरमाया कि कौन इसको पोजेस्ट करे और कौन एडमिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेट करे फरमाया इसकी कानून साजी मेरा खलीफा करेगा दीगर उमूर की तरह छोड़ यह हदीस थी सो तो चूंकि आपने फरमा दिया था जो मेरा वली उल होगा मेरा खलीफा वो मेरी वफात के बाद फैसला करेगा सो सजा कायनात हुजूर के वली अमर के पास गई यही सवाल लेकर क्या फैसला करें ये सिंपल सी बात है ये मैंने नदीस नंबर ट्वेंटी नाइन सेवनटी सेवन किताब अखराज से पढ़ दी अब इससे पहले नदीस नंबर उनतीस सौ पचहत्तर भी पढ़ लें ट्वेंटी नाइन सेवनटी फाइव उसके अल्फाज भी सयद कायनात के सवाल के हक़ में जाते हैं कि वो मबनी बर हक है और मौला अली और सैदना सदीक इकबर रजील् तन का जवाब भी मबनी बर हक है कि आकाल इस्लाम ने उन्हें ज़िम्मेदारी दे दी थी बतौर खरीफत रसूल के वो फैसला करेंगे और वो हदीस के लफ्ज़ हैं वो सीधना फ़ारूक आजम रजी अल्ल तु बयान कर रहे हैं उसके अल्फाज ये हैं कि फरमाए फ़कान रसूल अल्ला वसल्मा युनफिक मिन माल ही अला आहले ही व यतसद्दा को बेफद ले ही कि इस माल में से आकल इस्लाम सारा माल खर्च करते थे अपनी अहले बैत पर और जो बच जाता जायद पर उसका सदका करते ऊपर भी एक कलेमात सीदना फारूक आजम लाए हैं फरमाया कुल्लो माल इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा माल सदका है ये सीधना फ़ारोक आजम इल्ला मा अत फरमारू व सिवाय उस माल के जो हजूर सलाम ने अपनी अहल बैत को दिया और उनके अखराजात पूरे किए खिलाया और उनको ख़र्चे दिए पहनाया तो गोया अहल बैत का इस भी कर दिया था सारा माल सदका है सिवाय उसके जो अहले बैत पे खर्च किया तो जब अहले बैत पे खर्च करने को मुस्तसना कर दिया तो वो जो मुस्तसना कर दिया था वो हल तलब था कि उसको मैनेज कौन करेगा एडमिनिस्टर कौन करेगा उसको प्रोजेस कौन करेगा बतौर अमानत तो और उसकी कैपेसिटी क्या होगी ये क्लियर है कि माल सदका है मगर बैत के खर्च पूरे निकालने के बाद जो बचेगा वो सदका है और आकल इस्लाम भी ऐसे ही फरमाते इसकी तस्दीक हो रही है हर अजीज से तो ये जो पोर्शन दरमियान का है कि अहलबैत का साल भर का खर्चा निकाला जाएगा और जो अहल बैत का खर्चा निकालने के बाद बचता है वो सदका है तो वो जो अहलबैत का हिस्सा है निकालने उसको मैनेज कौन करेगा एडमिनिस्टर कौन करेगा उसका पोजेशन किसके पास होगा उसका स्टेटस क्या होगा ये वो बुनियादी सवाल था ये आप समझ गए पूरी बात क्लियर हो गई अब यही चीज़ जो मैंने आपको अर्ज़ की है हदीस पाक कि ये सवाल सैद कायनात ने सिर्फ़ नहीं किया इसकी नेसेसिटी थी और जो मैंने अर्ज़ किया ये साबित होती है बुखारी और मुस्लिम की मुतफ़ अल हदीत से कि ये पॉलिसी आकल आकाम ने डिक्लेयर नहीं की थी खलीफतलर यानी अपने नायब के लिए छोड़ दी थी यही वजह है कि अजवाज मुतहारत ने भी ये सवाल किया अब आप हैरान होंगे अजवाज मुतारात ने सवाल किया ये सुन लीजिए ये सही बुखारी है ये भी मेरे सामने किताबलफ़राज उसमें उम्मिल्मीन हज़रत आयशा सिदीका रजील तन खुद रिवायत फरमाती है और आप फरमाती हैं अन्ना अजवाजन नबी साल वसलम हिना तुभुफिया रसूल उस्माना अबी बकर मीरा सामोमी हजरत आयशा सदी तरमाती है कि जब आकम का विशाल हो गया तो सारी अजवाज मुताराद इकट्ठी हुई सिवाय हजरत आयशा सदी करजी अल्लाह तू कि वो तो उनको बताने वाली सारी अजवाज मतारात इकट्ठी हुई और उन्होंने इरादा किया फैसला किया कि हजरत ऊस्मान गनी को भेजें हजरत सिद्दीक अकबर पास और यही जो अमवाल जिनकी बैस अभी है उसमें अपनी वरासत का सवाल करें अपने मीरास का सवाल करें कि हमारी वरासत क्या है हमें क्या वरासत में क्या हिस्सा मिलता तो सीधना ऊस्मान गनी को भेजने लगी उस पर فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها نے ان اليس قال رسول الله صلى الله عليه لا نور ما تركنا صدقۃ انہوں نے اپنے والد گرامی سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ اصول سن لیا جو میں اگے لا رہا ہوں بیان کر رہا ہوں جو انہوں نے کائنات کو بتایا जिस पर उन्होंने बता दिया कि आकलाम की वरासत नहीं है जो आप छोड़ के गए वो सदका होगा मुमिनी हज़रत आयशा सदी रजी अल्लाह ते फरमान बाकी तमाम अजवाज मुतारात को कन्वे कर दी सो वो खामोश होगी उन्होंने हजरत आयशा सदी रजील्ला ते सुनकर बात समझ ली और कबल इसके हज़रतमान गनी को भेज रही थी कि हमारी वरासत का सवाल करें सदना सदी के एक बरसे क्या फ़ैसला है यह आपको सही बुखारी की हदीस बता दी अब यही सही मुस्लिम में भी है मैंने अर्ज़ किया मुतफ़ अल है और सही मुस्लिम की हदीस है सत्रह सौ हदीस, सेवनटीन फिफ्टी एट यही हदीस वो सिद्दीका आयशा सदी रजी अल्ला से मरवी है और वैसे यही हदीस सुनने अभी दाऊद में भी आई मगर जब बुखारी मुस्लिम की मुतफ़ अल बता दी तो फिर ज़रूरत नहीं और हवालों की عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يبوي وہی حدیث ہے بس تو میں ریفرنس کے لئے پڑھ رہا ہوں کہ مسلم کو بھی سن آپ أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر فَيَسْأَلْنَهُ ميراثهن من النبي صلى الله عليه وسلم حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنے لگی ताकि हजरत अबू बकर से अपनी वरासत का पूछे जिस पर हज़रत आयशा सदी का रजील्ला त ने उनको वही हदीस सुना दी जिसको बुनियाद बनाया सदना सदी के एक बार रजी अल्ला तो उस स्टेट पॉलिसी की बुनियाद बनाया कानून की बुनियाद और फैसला ला नू रसो मा तरकनाफो वसादाकतन अब ये हदीस के कलमात आप देख लें ये आम थे कर ने फरमाया कि हमारी वरासत नहीं होती कोई हमारा वारिस नहीं बनता माल में वारिस नहीं बनता हम जो छोड़ते हैं मात रखना फहोबा सदा का तो वो सदका हो जाता है अब आपने देखा कि ये हदीस है नबवी माल फदक के बारे में नहीं आई यानी उसको स्पेसिफाई नहीं करती खैबर के खौमस को स्पेसिफाई नहीं करती अमवार बनी नज़ीर को स्पेसिफाई नहीं करती अमवाल मदीना को स्पेसिफाई नहीं करती ये हदीस हुक्म में आम थी और जो सवाल था वो खास इन जायदादों के लिए था और आकाल सलाम आका ने फरमा दिया था कि मेरे बाद मेरा नायब और खलीफा उसको छोड़ता हूँ वो मैनेज करने का फैसला करेगा लिहाजा ये सवाल हक था और हर एक का हक था पूछना और हर एक का हक मबनी बर हक था सबने पूछा तो सीधना सीदी के क्या किया जब उन्होंने पूछा तो आपने बतौर खलीफ़लमसलमीन और बतौर खलीफत रसूल इस हदीस के ज़रिए उन अहकाम की जो कुरान मजीद के अहकाम थे जो लल़ुरबा के लिए कराबदारों के लिए थे अहल बैत के ख़र्चे के लिए थे आकल इस्लाम के मामूल और तसरफ के हवाले से थे और फिर कुरान मजीद में एक जबता भी चला आ रहा था बाज़ अम्बाल की वरासत का जिक्र आता है उस वक्त तक मना नहीं थी वरासत अम्बैया की ये तो सलाम ने कानून जबता मुकर्र फरमा दिया ना तो शुरा मरियम में देखें हज़रत ज़करिया ने दुआ की थी फ़हाबली मिल्ल का वलिया यार सोनी व यार सो मिन आल याकूब कि बारी तारा मुझे बेटा आता फरमा जो मेरा वारिस बने यार सोनी जो मेरी वरासत का मालिक बने और आल याकूब का वारस बने ये मजीद की आयत है तो वरासत तो कुरानी मजीद से साबित थी तो सजिदा कायनात का सवाल या याजवाज मुतारात का सवाल या मौला अलीतजा सीदन अब्बास बिन अब्दुल सब के सवाल मबनी पर अकाम कुरानी थे और वो जो गनयम और माल फे के बारे में कुरान मजीद की आयात उन पर मबनी थे आगे इनका स्टेटस आकम के वाल के बाद क्या होगा मैनेजमेंट का तरीक क्या होगा ये सवाल दरकार था चूंकि ये स्टेटस क्लियर नहीं था इस्लाम के बाद सो और आपने इशारा कर दिया था इसके स्टेटस को क्लियर करने का अब यह जो कॉल है जो इर्शादली मिल्ल का वलिया यारे सोनी जकरिया का कहना कि बारी ताला मुझे बेटा दे जो मेरा बारिस बने ये जो हुक्म है इस हुक्म के लिए कुरानी मजीद की जो आयत मैंने पढ़ी सूर्य मरियम की इस पर दो कॉल हैं मुफसरिन और अईमा मुहदसन बयान करते हैं एक कौल तो ये है कि अम्बिया की वरासत नहीं होती माल में उनकी वरासत इल्म होता है नबुवत, नबुवत का इल्म यह वरासत है ये कौल मुजाहिद का और उशैम का और हसन बसरी का और सद्दी का जैद बिन असलम का कौल इमाम बिन जरीर तबरी ने बयान किए अकवाल और हाफब बिन कसर सब ने किए मगर साथ दूसरा कौल है इसी आयत करीमा के तहत फ़हबली मिलतुल का वलिया वह यारह सो, सो मैन आल याकूब जो मेरा वारिस बने और आल याकूब का तो इसके साथ एक दूसरा कौल भी है और वह हजरत अबू साले से मर भी है कि यारह सो माल जो मेरे माल का भी वारिस बने और आल याकूब के सिलसिला नबूत का भी वारिस बने इस माल की वरासत का कौल इसको इमाम अबिन जरी तबरी ने इख्तियार किया है और इमाम अबिन जरी तबरी ने यह इमाम हसन बसरी से भी रिवायत की है मुरसलन इमाम हसन बसरी भी फरमाते हैं कि कला रसूल सल वसलम आकलम ने फरमाया था रहमल्खीज करियाल्ला मेरे भाई जकरिया पर रहम फरमाए माँ का ना आल मन वारा सा माल ही ही न यकूर उसके माल की वरासत पाने वाला कोई नहीं था उसका बेटा जब उन्होंने दुआ की हमली मिल्ल उनका वलिया यारह सुनी नहीं वह यारह सो मैं याकूब उनका वारिस कोई नहीं था जो उनके माल को जो भी उनका थोड़ा ज़्यादा अल्लाह पाक ने दिया होगा तो उसको संभालता तो आकम का फरमान है जिसे इमाम हसन बसरी ने मुसला रिवायत किया है इमाम इम जरीर तबरी लाए हैं इस कॉल को इख्तियार करते हुए तो एक कॉल है कि माल की वरासत नहीं इल्म और नबुवत की थी और दूसरा कॉल मैंने ये बता दिया अब दोनों कॉल मौजूद हैं उसकी वजह यह है कि उस हदीस को जब तक अप्लाई नहीं किया था हर किस्म के माल पर उस वक्त तक जब तक स्टेट पॉलिसी नहीं बनी थी उस वक्त तक दोनों चीज़ें अलग थी ताबीर थी और खास तौर पर अम्बाल फै जो अहल बैत के लिए मुकर हो गया था उसकी पोजीशन क्या होगी वो बस स्टिल अहल बैत ही उसको प्रोजेस करेंगे और ख़ुद अखराज उसमें से करेंगे या उसको स्टेट करेगी कैपेसिटी क्या है आकल इस्लाम किस कैपेसिटी में तसर फरमाते थे बतौर हाकिम फरमाते थे बतौर मालिक फरमाते थे बतौर वाकिफ़ फरमाते थे ये सारे क्वेश्चन थे जिसकी वजह से अजवाज मुतारात ने भी पूछा तो सैदना सदीक़े अकबर रजी अल्लाह तनों के पास जब सयद कायनत ने ये पैगाम भेजा या तशरीफ़ ले गई या अजवाज मतहारात को जब हज़रत आयशा सदी का ने बताया और सैदना अली को और हजरत अब्बास को जब सैदना फारूक आजम और इन्होंने बताया तो क्या था सैदना सदी अकबर ने क्या किया सुन ले ऐसा नहीं कि उनके पास हदीस थी और बाक़ियों को मालूम नहीं थी हो भी सकता है मगर यह भी है कि उस हदीस का इतलाक़ इन पर होता है या नहीं होता यह भी अपनी जगह कौल है कई अहकाम इस्लाम के इर्शादात ऐसे भी हैं कि एक सिहाबी को फरमाए एक मजलिस में फरमाए दूसरे ने नहीं सुने रफ्ता रफ्ता वो रिवायत आगे पहुंची ऐसा भी होता था मगर ऐसा भी है कि हदीस मौजूद है मालूम है मगर इस हदीस का इतलाक़ इन अमवाल फै पर भी होगा या नहीं होगा ये सवाल हल तलब है और वो हदीस मौजूद है कि तरह का जो है वो सदका होगा वराजत नहीं होगी मगर जो इस्सा इस्लाम ने अल बैत के लिए ख़ास फरमा दिया था उसको मैनेज भी स्टिल स्टेट करेगी या खुद करेंगे ये हर तलफ़ था इसके ऊपर कोई हुक्म मौजूद नहीं था इन्होंने सवाल किया जो कुरानी आयात पर मबनी था जो अदीस नब्बी पर मबनी था जो सुन्नत रसूल पर मबनी था आकम के तर्ज अमल पर मबनी था जो हरेक के जहन में आया और हरेक ने पूछा अब सीजना सदी के ने क्या किया आप खलीफत और मुसलिम थे इस्लाम ने उनको अथॉरिटी दी थी फरमा दिया था कि वली वलीर जो है मेरा नायब वो करेगा आपने इस्लाम की सदीस को उमूम को तमाम सिचुएशन पर अप्लाई कर दिया चूँकि इस्लाम ने अलग हुक्म नहीं फरमाया कि इन अम्वाल के अब मालिक और वारिस मेरी अहल बैठ होगी यह भी नहीं फरमाया था यह भी नहीं फरमाया था कि वो वारिस नहीं होंगे चूंकि इन अम्वाल को स्पेसिफिकली कोई हुक्म दिया नहीं था मगर अलग तखस खर्चा उनका इसी से चलाते थे तो जब ये बात आई और ये भी आक इस्लाम ने फरमाया था कि जो हम छोड़ते हैं वो सदखा होता है वरासत नहीं होती तो उन्होंने जो अमूमी हुक्म था आक इस्लाम का आपकी शान के लायक उस हुक्म को इतलाक कर दिया हर किस्म के अम्वाल पर क्यों कर दिया कि ये अथॉरिटी आकलम ने उनको दी थी स्टेट अथॉरिटी थी खलीफतमसलम खलीफत रसूल के तौर पर इतलाक कर दिया और तरीका यह रहा कि जिस तरह आकाल आकलम तकसीम फरमाते थे वही तर्ज तकसीम कायम रहेगी तो गोया इसका जो तसरफ है तसरफ आके हो गया या तसरफ वाकफाना हो गया मिल्कियत का तशरफ नहीं वक्फ का भी हो सकता है और हुकूमत का भी हो सकता है आके माना कर दिया कि स्टेट इसको ऑन करेगी मगर जिस तरीके से आकलम इसके हिस्से तकसीम फरमाते थे उसी तर्ज पर उसी कदर हिस्से तकसीम होते रहेंगे सो फिर इन अम्बाल के हिस्से अहल बैत अतार के यहाँ जाते रहे अजवाज मतारात के यहाँ जाते रहे और अहल बैत के नस्लों तक जाते रहे पूरे खलफाए राशद के ज़माना में और बाद अजाम भी उनको जाते रहे तो जो अक इस्लाम का तरीक था वो कायम रहा तो गोया उन्होंने एक स्टेट पॉलिसी बना दी और ये जो पूरा एक निज़ाम था जो अकलाम ने छोड़ा था अपने खलफा के लिए उसको एड्रेस करके तो एक पॉलिसी बन गई जिसको हर एक ने कबूल किया खुशी से लिहाजा ये बात क्लियर हो गई इसमें अब कोई इश्काल नहीं रहा क्योंकि वो उनके सवाल का जो जवाब था वह इनमा हाजल मालौले आल मोहम्मद ये माल आल मोहम्मद के लिए है ये मेन क्वेश्चन था कि आल मोहम्मद के लिए है तो मैनेज अहिल बैठ ही करेंगे या मैनेज स्टेट करेगी सीधा सिद्दीक़ अकबर ने फरमा दिया कि स्टेट मैनेज करेगी आकल इस्लाम की इस हदीस की रोशनी में सब ने इसकी इस, इस तबीर और इस तशरीर पर इतफाक़ कर लिया तो ये भी इश्हा था वो भी इश्हा था दोनों तरफ तो इसमें दोनों हक पर हैं और कोई ख़ता कहीं नहीं ना कोई इम्कान है ख़ता का अल्लाह रब्ज़त हमें फ़हम दीन में और बरकत अता करे और हम इस काबिल बने कि हमसे और हमारी काबिशों से दीन की तोीर कायम हो उसको नुकसान न पहुँचे सबको ईमान के साथ सलामत रखें वरम वीडियोस को हासिल करने के लिए शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहरुल कादरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें